मुसलमान नहीं होगा इवें हजूर दे एक सहाबी दा मुनकर सुन्नी नहीं होगा। मसला हो गया, मसला हो गया, हदीस पाक उस हदीस तो मैं कुर्बान जावा जिन रवायत अबू बकर सिद्दीक करते हो जाने मन आपने तवज्जो है ना और रियाजुल नजरा के अंदर तबरी ने इस रवायत में लिखा है और बड़ी मारूफ है अहले सुन्नत के हलके में बरकत वासे तो कलाम शुरू हजरत अबू बकर और हजरत अली मुलाकात अबू बकर सिद्दीक तक के अली पाक का चेहरा ते मुस्कराए और हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़ी कसरत नाल रसूलुल्लाह सरकार दा चेहरा तक लिया हजूर दा विसाल होया ते अबू बकर कसरत नाल मौला अली दा चेहरा तक लिया एहसास सवाए के मुहर्रिका दे अंदर अलामा इब्न हजर ने लिखा है कि हजरत अबू बकर अच्छा जेड़ा बंदा चंगा ना लगता होवे ओदा बंदा मुंह वेख के राजी सजना दे चेहरे वेख के दिल राजी हो जदों किसे दा मुखड़ा वेख के दिल मुस्करा जाए चेहरे ते रौनक आ जाए समझा करो इन मुहब्बत ए अली दा चेहरा वेख के अबू बकर मुस्करांदे हाय ऐ जी लड़ाई वाली गल है ना ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई है ना कि हम तुम में लड़ाई होगी ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी हजूर दयाल और सहाबा के दरमियान गायब दर्जे की उल्फत और मोहब्बत इहदे उत्ते अर्ज कर रहे हैं रसूलुल्लाह दे साहिब हजरत सिद्दीक अकबर अक्सर चेहरा तक रहा अली पाक अली सवाल किया गया आयशा की तरफ कि अब्बा जी मैं तक नहीं आ कि आप कसरत से चेहरा तक ले फरमाया मेरे नबी ने फरमाया अली का चेहरा तकना इबादत इबादत बाद संगी ज्यादा पड़े होंगे पर मैं तो फिर तुम पता एडा पढ़िया नहीं दरवेश दिया फंदा ज्यादा पड़े बंदे बाद औकात फजाइल की अहदीस ते भी ज़ौफ का हुक्म लगा के बयान करने को मना कर रहे होंगे मेनू एक साथी मिले इस तरह मैं हदीस पाक बयान की थी कि अली पाक ना चेहरा तक ना इबादत इबादत बाद विच खाना खान बैठे तो उन्होंने फरमाया कि शाह साहब ये हदीस जड़ी है ना ये बयान ना कीता करो साबित नहीं इहदे उत्ते ज़ौफ है हुक्म लगा है फलां है फलां है मैं कहा अच्छा ठीक है अलावा जी मैं तुम्हें फरमान दे वही मान फिर उलमा नाल झगड़ा तो नहीं करना चाहिए दूसरे गुलामा नहीं कह चिट्ठी खाना शाना खा रहे मैं उन्होंने हलवा रखा मैं हलवा दे हलवा खा चेहरा वेखना इबादत हदीस से चाहे उन्होंने कहा हाँ हदीस से चाहे और ठीक आलमी दीन का चेहरा वेखना बड़े ठीक तो मैं समझा वो हुण गल बन जासी मैं पूछा अमर साहब आलमी दीन का चेहरा वेखना इबादत है तुसी फिर मौला अली आलिम दी नौ बन नहीं नहीं माज़ल्ला उठी तो इलम तकसीम हो जाए तो मैं कह फिर दुनिया आलिमा का चेहरा वेखना था इबादत थी अली की बारी की मसला होया मसला होया मसले की समझ आई कि ना तो हजूर दी आल का जिक्र कर दिया दिल में घुटन महसूस करे ना अगर कोई बंदा इंज उंदा दिल तंग उंदा महसूस होवे तो मैं ये नहीं आंदा वो भज जाए तो सुनिए तो खारिज हो जाए लेकिन मैं ये जरूर आना कि से रवानी बाबे कोल बैठ के अपने दिल दी बीमारी दा इलाज कराए
کیونکہ محبت علی ایماندار ہون دی علامت ہے۔ اگر اندر ایمان ہوئے تو علی دا نام سنا چہرے کھل جائے، دل خوش ہو جائے، اور اگر دل میں صحابہ دا بغض ہوئے علی دی محبت ڈھیر ہوئی ہوئے تو جانے من اوندا نفع نہیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ نماز کی دی پڑھ گئی تے جے کعبے الکان کر کے پڑھیے تے مڑیے تے مڑیے تے مڑیے اے ذہن وچ رکھ لو جویں کعبے الکان کریے اللہ دی نماز پڑھیے تے اللہ راضی نہیں ہوندا، ایویں ابو بکر الکان کر کے علی علی کریے تے علی راضی نہیں ہوندا۔